मैं क्या नितिन विराम धस ज्ञान आंजन सला गया चक्षुर मिलिता मुझे न तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय यस्तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। राधाकरावचितवल्लभवल्लरीके राधापदाङ्कविलसमधुरस्थलिके राधाङ्गजसमुखमुखाङ्गाङ्गबलिके राधाविहारविघ्ने रमताङ्गमनोमि। भजामि राधाङ्गमरविन्दनेत्राङ्ग स्मरामि राधाङ्गमधुरस्मितास्याम् वदामि राधाङ्गकरुणाभराद्राङ्ग तत्त्वमन्यास्तिगतिर्न क्वापि। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुदेव नितलीला प्रविष्ण विष्णुपादष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णव माता पिताए भाई बहन सभी को मैं यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। आज बहुत बहुत ही अच्छा दिन है। आज श्रीमती राधा रानी का जन्मतिथि है, इसलिए भगवान को बताया सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सत चित और आनंद स्वरूप है और जो जीव है उनका अंश होने का नाते भगवान का सारे गुण ये जीवों में भी विद्यमान। इसलिए इसी जगत में जीव भी सच्चिदानंद को प्राप्त करना चाहते। जगत में भगवान सत्य है इसलिए जगत में कोई मरना नहीं चाहता। भगवान ज्ञान स्वरूप है, सारा दुनिया ज्ञान प्राप्त करने के लिए चाहता है। भगवान आनंद स्वरूप है इसलिए सारे जीव वो आनंद के लिए सब कुछ काम करता है। लेकिन ये जीव को ये सच्चिदानंद तो प्राप्त कैसे होगा? इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं बोले तमेव शरणम गच्छ सर्वभावे न भारत तत्प्रसादात पराम शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वत। कृष्ण कहते हैं जब तक जीव मेरे शरण में नहीं आएगा तब तक जीव को कभी शांति मिल ही नहीं सकती। लेकिन भगवान के शरण में जाना भी बड़ा कठिन है क्योंकि भगवान जैसे टेढ़े हैं उनका स्वरूप भी टेढ़ा है और भगवान का सब कुछ टेढ़ा है। इसलिए एक भजन में गाए बोले तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया गोकुल तेरी टेढ़ी जमुना तेरो टेढ़ो टेढ़ो रे टेरी तेरी गोकुलो नगरिया तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। इसलिए कृष्ण को पाना बड़ा टेढ़ी खीरी है, इसलिए कृष्ण को जीव प्राप्त तो नहीं कर सकते। लेकिन कृष्ण को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? बोले सबसे सरल उपाय है श्री राधा रानी का शरण में अगर कोई जाए, क्योंकि राधा रानी के लिए श्री रूप गोस्वामी बताए बोले करुणा कुरुमयी करुणा भरिते सन कसनातन भरनित चरिते। कहते राधा रानी ये करुणा के मूर्तिमान स्वरूप है जिसको श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं बोले वैदग्धि सिंधुम रसमूर्तैक सिंधुम आनंद सिंधुम वात्सल्य सिंधु रसमूर्ति कृपाईक सिंधु श्री राधिके स्मरतु मे रसकेलि सिंधु। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जैसे सप्त समुद्र है उसी तरह राधा रानी के अंदर में भी ये सारे सप्त समुद्र राधा जी के अंदर में। कहते करुणाई का सिंधु, अगर करुणा की कोई मूर्तिमान स्वरूप है सिंधु कहते श्री राधा रानी। बोले वात्सल्य सिंधु, सारे वात्सल्य का जो मूर्तिमान स्वरूप श्री राधा रानी। बोले रस मूर्ति का सिंधु, रस का जो परिपूर्ण स्वरूप श्री राधा रानी रस का सिंधु है। इसलिए लावण्य सिंधु, इसलिए कृपा सिंधु श्रीमती राधा रानी। जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं हो तब तक जीव कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है और कृष्ण को पाए बगैर जीव को ये सच्चिदानंद तो कभी जीव को प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए
कोई एक रसिक भक्त था, उसने कहा मैं तो श्याम रंग में रंगी, बोले कृष्ण रंग में मैंने रंग गया। लेकिन जब वो पद्य श्री रूप श्री जीव गोस्वामी के पास में आए, तब तो उन्होंने एक श्लोक को द्वारा भेज दिया, बोले इतने आसानी नहीं, तू जो कह रहे हो कृष्ण रंग में रंगी है, अगर तुमको वो कृष्ण रंग में रंगना चाहते हो तेरे को पहले तीन चीज की जरूरत है, तभी जाकर कहीं कृष्ण रंग तुम्हें मिलेगा, नहीं तो कृष्ण कृष्ण बोलने से कृष्णा नहीं मिलते हैं। बोलो तीन रंग क्या है? बोले अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु अनाश्रित वृंदावनम तदटविम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चितान कुतः श्याम सिंधु रसस्यावगम। अगर किसी जीव को कृष्ण रस समुद्र में स्नान करना चाहते हैं, पहला चीज बोले अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणु, जब तक श्री राधा रानी की चरण धूलि को तुम आश्रय नहीं करते हो, बोले राधा रानी के चरण को द्वारा अंकित श्री वृंदावन धाम को जब तक आश्रय नहीं करते हो, और सबसे जो बड़ी चीज है राधा रानी प्रेमामृत सिंधु में जो संत स्नान किए हुए हो, जब तक ऐसे संतों का शरण में नहीं जाते हो, तब तक जितने कृष्ण कृष्ण बोलने पर भी कृष्ण तुम्हें नहीं मिलेंगे। इसलिए वृंदावन में जो जाते हैं, यद्यपि कृष्ण वृंदावन का राजा है, लेकिन कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते हैं वहां, सबके सब श्री राधे 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 बोलते। बोले राधे राधे क्यों बोलते हैं? तब कृष्ण कहते हैं बोले रा शब्द कुर्बन तस्मात ददामी भक्ति उत्तमम धा शब्द कुर्बत पश्चात धावी श्रवण लवा। अगर कोई केवल रा अक्षर बोल दे, कृष्ण चिंता में पड़ जाते हैं, उसका हम क्या दे? राधा रानी की एक रा अक्षर में इतनी शक्ति, कृष्ण कहते विश्व ब्रह्मांड में हमें ऐसे कोई चीज नहीं मिलता जो रा के विनिमय में दे सकता। बोले मैं अपना उत्तम भक्ति खुद को खुद उसके शरण में दे देता हूँ। अगर कोई धा बोल दे तो बस, कृष्ण कहते ये रा धा ये दो अक्षर सुनने के लिए मैं स्वयं उसको पीछे 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 भागने लगता हूँ। इसलिए ब्रज में एक कीर्तन गाते हैं, भले राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 रटो चले आएंगे बिहारी। इसलिए राधा रानी का नाम लेते ही बिहारी जी भागते भागते अपनी आप भागते भागते आती है। इसलिए श्री जीव गोस्वामी कहते हैं जैसे राधा नाम की महत्व है, और इतने नाम की किसी के महत्व है नहीं है। इसलिए एक समय शंकर जी को पार्वती प्रश्न किया, बोले प्रभु जगत में किसका नाम ग्रहण करें? शंकर जी कहते पार्वती आराधना नाम सर्वेशांग विष्णुंग आराधना परम, जितने सारे आराधना में सर्वश्रेष्ठ आराधना भगवान विष्णु की आराधना, लेकिन उससे भी एक श्रेष्ठ आराधना है तद्दी आनाम, उनके भक्तों की आराधना सर्वश्रेष्ठ है और भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है श्री राधा रानी। इसलिए बोल आराधना नाम सर्वेशांग विष्णु आराधना परम, विष्णु की आराधना श्रेष्ठ है। बोले प्रभु विष्णु का नाम लो। बोले हाँ। तो पार्वती रोज 1,000 विष्णु नाम लेती थी, बड़ा समय लगता है। एक दिन शंकर फिर बोला, बोले पार्वती उससे भी एक सरल नाम है। बोले क्या है? बोले राम रमति रमति रम रमे मनोरमे सहस्र नाम विस्तुल्यम श्री राम नाम बरानने। हे सुंदरी पार्वती, प्रभु राम का नाम बड़ा मीठा नाम, बड़ा मधुर नाम है। कहते 1,000 विष्णु नाम लेने से जो फल है, एक बार श्री राम नाम लेने में वही फल है। पार्वती राम का नाम करती। कुछ दिन बाद में शंकर जी फिर बुलाए, बोले राम नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम है। बोले कौन सा नाम? बोले सहस्र नाम नाम पुण्या नाम त्रिराद्वित्वा तुजत फलम एकवृत्वा तु कृष्णस्य नाम एकत्र प्रसिद्ध। कहते विष्णु सहस्र नाम को 3 बार लेने से जो फल मिलेगा, एक बार कृष्ण नाम लेने से वही फल मिलेगा। इसलिए 3 राम नाम समान 1 कृष्ण, कृष्ण परिपूर्ण 16 कला में पूर्ण। बोले प्रभु पर कृष्ण नाम लेनी चाहिए। बोले हाँ पार्वती, कृष्णस्तु भगवान स्वयं है, जो इस कृष्ण है चद ब्रह्म परमानंदं पूर्ण ब्रह्म सनातनम, ये कृष्ण है। तब से मैया पार्वती कृष्ण नाम लेती थी। एक दिन पार्वती को शंकर जी बोले, बोले पार्वती आज तुमको एक रहस्य बात बताऊंगा, जो बात मैं अभी तक इसको नहीं बताया। बोले क्या है? बोले कृष्ण नाम से भी एक श्रेष्ठ नाम। बोले कृष्ण नाम से श्रेष्ठ नाम? बोले कहाँ से मिला? बोले
बोले कृष्ण स्वयं चंद्रमा को बोले, बोले मम नाम सत्यनापी राधा नाम सदूतमम, जग करोति सदा राधा ना जाने महिमा कीर्तम। कृष्ण कहते हैं चंद्रमा, अगर मेरे नाम 100 बार 100 बार एक बार कोई ले ले, एक बार अगर श्री राधा रानी का नाम ले लेते हैं, एक राधा नाम समान मेरा 100 नाम के बराबर। बोले प्रभु फिर तो मैं राधे राधे बोलते रहो। बोले पार्वती इसमें भी रहस्य। बोले फिर क्या रहस्य है, जब कृष्ण नाम 100 नाम एक राधा जी का नाम श्रेष्ठ है, फिर राधा जी का नाम तो लेना। बोले देखो पार्वती, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा नाम से राधा रानी खुश नहीं होती है, राधा नाम करने से बिहारी आते हैं। बोले फिर, बोले अगर तू बिहारी बिहारी जी करोगे ना, फिर से राधा रानी आते हैं। राधे राधे नाम से कृष्ण खुश होते हैं, कृष्ण नाम से राधा रानी खुश होते हैं। बोले प्रभु फिर तो फिर करो किसी का नाम। बोले जुगल नाम करनी चाहिए, राधा कृष्ण दोनों का नाम लेनी चाहिए। बोले कैसे, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो हरे शब्द है श्री राधा रानी का नाम है, पहला मूल शब्द हरा संबोधन में हो जाता है हरे, जो अपना प्रेम भक्ति को द्वारा कृष्ण का मन को जो हरण करती है, हरे हरे कृष्ण मतलब राधे कृष्ण राधे कृष्ण है। इसलिए ये महामंत्र है कलयुग के लिए, यही महामंत्र को शास्त्र में बताया। जब ये महामंत्र को जप करेंगे, ये जुगल नाम है, जुगल नाम से राधा कृष्ण दोनों अपने आप प्रसन्न होते हैं। इसलिए आज श्रीमती राधा रानी का जन्म तिथि है। राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, श्री राधा रानी हैं। अगर कोई भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, जब तक श्री किशोर जी की कृपा नहीं होता है, वो कभी कृष्ण का भक्ति में प्रवेश कर ही नहीं पाता है। राधा जी की कृपा हो तो फिर जाकर कहीं कृष्ण की कृपा को प्राप्त होती है। इसलिए बोले, बोले किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहाँ, केशव की कुंज केली कोटि कोटि काशी है, गोपिन के द्वार पे हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करेंगे किया, जानी तो नहीं है किया हम श्री वृंदावन वासी। इसलिए बोले किरत सुता गे पग पग में प्रयाग जा, कहते राधा रानी की जहाँ पर श्री चरण पड़ता है, बोले पग पग में प्रयाग है, केशव की कैली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी के द्वार पे हरिद्वार, बद्री केदारनाथ बसत दास दासी है। इसलिए कहते श्री जानते नहीं है कि हम वृंदावन वासी, इसलिए वृंदावन वास तभी मिलेगा जब श्री किशोर जी की कृपा होगी, और इनकी कृपा के बगैर किसी को भी श्री वृंदावन वास कभी नहीं मिलती है। जब राधा रानी की कृपा हो, अगर वो किसी को वृंदावन धाम में स्थान दे, तभी तो जाकर कोई वृंदावन धाम में किसको प्रवेश अधिकार होता है। कहते वृंदावन में अगर किसी तरह से कोई आ जाए, बोले एक समय कोई एक व्यक्ति था जिसकी पत्नी का नाम थी किशोरी, देखने में सचमुच से बड़ी सुंदरी थी, बड़ी पतिव्रता नारी थी, पति की बड़ी सेवा करती थी, लेकिन इस शादी को कुछ दिन बाद में उसने शरीर छोड़ दिया। लेकिन पति उसको प्रति बड़ा आसक्त था, क्योंकि बड़ी पतिव्रता नारी, पति सेवा करने वाली, अभी तो वो अपना पत्नी के नाम लेते लेते पागल हो गया। पागल होकर किसी तरह से वो वृंदावन धाम में आ गया। अभी रात उसको नींद नहीं आती, हा किशोरी तू कहाँ चली गई, हा किशोरी तू कितनी अच्छी थी, हा किशोरी तू कहाँ। अभी वृंदावन में किशोरी श्री राधा रानी को सब जानते हैं, राधा रानी वृंदावन में नित्य लीला करती है, नित्य रास करती है। जब राधा रानी सखियों के साथ में रास करने के लिए आई, तब तो उन्होंने सुना इनका आर्तनाद, हा किशोरी। राधा रानी तो बड़ी दयालु, बोले ललिते देखो कोई वृंदावन में मेरे नाम ले रहा है। बोले तेरे नाम नहीं ले रहे, उसका पत्नी का नाम थी किशोरी, देखने में बड़ी अच्छी प्यारी थी, कम उम्र में मरी गई, तो पत्नी का प्रति बहुत आसक्त था, इसलिए वो पागल होकर वृंदावन आ गया। तेरे को नहीं, वो अपना पत्नी का नाम ले रहे, चुप चुप रहो। लेकिन उसको तो बोली खत्म नहीं हो रहा था, हा किशोरी हा किशोरी हा किशोरी। हैं, अगर दो व्यक्ति का एक नाम हो, एक व्यक्ति को बुलाओ दूसरे व्यक्ति आवाज देता है, क्या मुझे बुला रहे हो। राधा रानी का हृदय द्रवीभूत तो हो गई। बोले हे ललिते देखो किशोरी किसकी नाम है, मेरी नाम है, लेकिन उसकी दी गई थी पत्नी का नाम किशोरी। अगर कोई मेरे धाम में आए और मेरे नाम के लिए भले ही अपना पत्नी को बुला रहे, नाम तो मेरी नाम है ना,
अरे मेरे धाम में देखो रात भर सोए नहीं, हाथ ईश्वरी नाम कर रहा है। जा ललिता उसको लेकर के आओ। तब ललिता उसको लेकर जब आई और उनने जब उसको ऊपर हाथ रखे ना, वो तो एक पागल था, और राधा रानी का हस्त स्पर्श से वो तो दूसरा पागल हो गया। पास राधा रानी अपना गढ़ में उसको स्वीकार कर लेती है। इसलिए राधा रानी इतने दयालु, इतने राधा रानी कृपालु, उनका नाम अगर किसी तरह से कोई अगर ग्रहण करे तो श्री राधा रानी उसके ऊपर में कृपा कर देती है। जब श्री रूप सनातन जब टेर कदम में रहते थे, जब श्री सनातन गोस्वामी वहां पर आए, दोनों भाई हरि कथा में मस्त हो गए। लेकिन छोटा भाई रूप गोस्वामी सोच रहे हैं बड़े भाई बड़े दिन में आए, कुछ उसको खिलानी चाहिए। बोले बड़े भैया को तो खीर बहुत पसंद है, लेकिन यहाँ खीर कहाँ मिलेगा, घना घोर जंगल है। तब राधा रानी सोची मेरी कथा, मेरी कथा कर रहे हैं, मेरा ही चर्चा कर रहे हैं मेरे भक्त लोग, अब इनकी इच्छा है सनातन गोस्वामी को खीर खिलाने का। तब राधा रानी स्वयं छोटी सी बालिका बन करके दूध चीनी चावल काजू किशमिश पिस्ता लेकर के आती हैं। बोले लो बाबा इसको खीर बना कर खा लेना। बोले लाली तू चले जा, हम खीर बना कर खा लेंगे। लेकिन वो तो राधा रानी की चर्चा में, राधा रानी की भक्ति में, कथा में पूरा डूबे हुए हैं। फिर राधा रानी घूमघाम करके आती, बोले बाबा तुम कथा करते रहो, मैं खीर बना देती हूँ। राधा रानी स्वयं खीर बना करके जाती है। बोले बाबा खीर भोग लगा अगर खा लेना। बोले लाली कोई चिंता नहीं तू जा। बड़ी देर में जब कथा समाप्त हुई, रूप गोस्वामी ने सोचा कोई एक बालिका आई थी, बोले तो मैं खीर बना कर गई हूँ, सचमुच से देखा बड़ा सुंदर खीर है। तब उन्होंने ठाकुर जी को भोग लगाया और जब श्री सनातन गोस्वामी बड़े भैया को दिया, जब उन्होंने खीर खाई उनका तो रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झरी बहने लग गया। बोले जीवन में हमने बहुत खीर खाई लेकिन ऐसे खीर कभी मैंने नहीं खाई। बोले क्यों, बनाया किसने? बोले श्री राधा रानी स्वयं अपना हाथों से बनाया। भोग किसको लगाया? बोले भगवान कृष्ण को भोग लगाया। लगाया किसने? बोले श्री रूप गोस्वामी ने लगाया। इसलिए सनातन गोस्वामी ने बोले रूप तुमने मन में कुछ इच्छा की थी? बोले हाँ भैया मैं सोच रहा था बड़े दिन में आए हो, आपका हम खीर खिलाएंगे। बोले रूप तुम्हारे हृदय की भावना कौन समझे, और ये घना घोर जंगल में कौन दूध चावल लेकर कौन आए? वो बालिका नहीं थी, वो स्वयं राधा रानी थी। खीर खा कर देख इसमें क्या टेस्ट है। सचमुच से रूपो गोस्वामी खीर खाए तो उनको भी रोम रोम खिल उठा, वो भी प्रेम में नाच उठे। बोले देखो कहाँ से राधा जी की सेवा करनी चाहिए, आज राधा रानी स्वयं हमारे लिए खीर बना कर गए। तब उन राधा रानी के चरण में क्षमा प्रार्थना मांगी, हे राधा रानी आपको कहाँ सेवा करनी चाहिए, आप उल्टा हमारी सेवा करके गए हो। इसलिए राधा रानी अगर कोई ब्रज में भजन करने के लिए आए तो राधा रानी उसकी सारी व्यवस्था राधा रानी करते हैं। बोले एक समय, और एक बड़ी सुंदर कथा है। बोले एक समय ब्रज में साधु लोग भजन करते हैं, वो माधुपुरी करके अपना जीविका निर्वाह करते हैं, घर में जाकर रोटी सब्जी लाकर भजन करते हैं। एक दिन जिस समय संत लोग माधुगिरी के लिए जाएंगे, दोपहर में घना घोर बारिश आंधी तूफान इतने जोर से आया, घर से कोई निकल नहीं पाए, और संत लोग बैठ करके माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भजन कर रहे, और पेट में भूखा है खाना नहीं। लेकिन इधर कृष्ण ने गीता में प्रतिज्ञा किए हैं, भगवान प्रतिज्ञा करते हैं अनन्न चिंतन तमाम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगाक्षयम् वहामि अहम्। कृष्ण स्वयं कहते हैं अर्जुन जो अनन्य रूप में मेरे भजन करते हैं उनको घर में जो कोई जो कुछ नहीं हो मैं स्वयं सर पर रखकर घर में पहुंचाता हूँ, घर में जो चीज हो मैं स्वयं उसको रखवाली करता हूँ। जो भगवान स्वयं इस चीज को प्रतिज्ञा की, अभी भक्त लोग बैठ कर भूखे भूखे पेट में खाना नहीं, अब भूखे ना भजन हो गोपाला, अभी घर में बैठ कर भजन कर रहे हैं। अभी राधा रानी को चिंता लग गई, देखो ये भक्त लोग बैठे हुए। लेकिन उधर क्या हुआ, कृष्ण राधा रानी के पास में, राधा रानी कृष्ण के पास में खबर भेजे थे आज अमुक स्थान पर हमें मिलेंगे। आज कृष्ण स्वयं आकर के राधा रानी के लिए अपना हाथों से सुंदर उनने कुंज बनवाया, सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया, बड़ा सुंदर उनने कुंज बनाया।
लेकिन जो निर्दिष्ट समय दिया था इसी समय पर आएंगी, किशोरी जी उस समय पर आई नहीं। कृष्ण बोले क्या हो गया राधा रानी को, क्यों नहीं आ रही है? कभी कुंजों में बाहर जाते हैं देखते हैं, राह देखते हैं, कभी कुंजों में आते हैं, कभी बैठते हैं, हाँ कभी बाहर जाते हैं, कभी भीतर आते हैं। सखियाँ भी बड़े चंचल है, अभी तक राधा रानी नहीं आई है, जब नहीं आई लेकिन उधर क्या हुआ, राधा रानी स्वयं उनके लिए स्वयं रोटी बनाती है, चावल बनाती है, सब्जी बनाती है, दाल बनाती है, बना करके कृष्ण को भोग लगा करके वो जो दाल चावल सब्जी लेकर संतों घर घर में जाती है, और सबको माधुर्य दे कर खाना दे करके, और आते आते हो गया लेट। जब लेट हो गया इतने में राधा रानी आई, तो जब कृष्ण को साथ में बात करने के लिए जाए, कृष्ण मुंह मोड़ते, इधर आए तो इधर मोड़ मोड़ दे, मान कर दिया कृष्ण। इतने में राधा रानी सखियों से पूछ रहे, बोले महापुरुष को क्या हो गया, ये महापुरुष मान क्यों कर रहे? बोले मान नहीं करेंगे, तुम कितने बजे टाइम दिया था और तुम आ रही हो इतने लेट से। तब राधा रानी सारी कथा बता, बोले श्याम सुंदर तुमने गीता में स्वयं प्रतिज्ञा किए हो, जो तुम्हारी भजन एकांत रूप में करते हो उसका सब दायित्व तुम लेते हो, खाना पीना तुम देते हो। आज ऐसे जिस समय संत लोग जाएंगे माधुगिरी के लिए, घनाघोर बारिश आई, कोई संत घर से निकल नहीं रहे, अब बैठ करके भजन कर रहे, तेरे नाम ले रहे हैं, इसलिए मैं स्वयं अपने हाथों से रोटी चावल सब्जी बनाकर घर घर में गया, संतों को खिला पिला करके मैं अभी आ रहा हूँ। बस इतना सुनते ही कृष्ण का हृदय तो पानी पानी हो गया, कृष्ण राधा रानी के चरण में गिर पड़े, बोले हे राधे तुम जगत की माँ हो, तुम है माँ, क्या करती है बच्चे को खिला करके, माँ खाती है, पहले माँ खाती नहीं, प्रतिज्ञा तो मैंने की गीता में, लेकिन उसको पालन करने वाले तू हो, इसलिए तुम ही ब्रज को रखवाले करने वाले तू हो, बच्चों को पालन करने वाले भक्तों को तू ही भक्त हो, इसलिए राधे मेरे अपराध को क्षमा कर देना। इसलिए राधा रानी इतने दयालु इतने कृपालु, सब भक्तों का व्यवस्था करने वाले श्री राधा रानी, राधा रानी बड़ी दयालु है श्री राधा रानी, इसलिए आज श्री राधा रानी का जन्म तिथि है। इन्हीं की कृपा से ही कृष्ण प्राप्त होते हैं, इनके कृपा के बगैर कृष्ण कोई प्राप्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए भक्तिवरण ठाकुर कहते हैं राधिकार दासी जदी हाय अभिमान शीघ्र मिलाई तब गोकुल कान। इसलिए कृष्ण किसको मिलते हैं, बोले उससे मिलते हैं राधिकार दासी जदी हाय अभिमान, अगर किसको ये अभिमान हो जाए हम श्री किशोर जी की दासी है, बस शीघ्र मिलाई तब गोकुल कान, लेना राधा परिचर्या का कर धर। इसलिए राधा रानी की परिचर्या हमें करनी चाहिए, राधा रानी की चरण की सेवा, इसलिए आज राधा रानी की जन्मतिथि है, हम प्रार्थना करते हैं राधा रानी हम सबको बड़े कृपा करे, लेकिन राधा रानी तो हमारे लिए बहुत दूर है, हम सामने गुरुदेव है वैष्णव लोग हैं, जब तक इनकी कृपा नहीं होगा तब तक श्री राधा रानी का भी कृपा प्राप्त नहीं होता, इसलिए हम गुरु जी के चरण में प्रार्थना करते हुए हम सब खबर में आशीर्वाद करें, कभी हम श्री राधा रानी के चरण की भक्ति हम प्राप्त कर सकें। बोले श्रीमती राधा रानी की, जय। बोले श्री वृषभानंद महाराज की, जय। बोले श्री गुरुदेव की जय। निखाय गौर गुरु मन, हरि हरि।